नमस्कार, मैं राजेश राठौर हूं जीटीपी न्यूज। यूपी के अलीगढ़ के देलीगेट थाना क्षेत्र के हिंदूवादियों ने गाय का मीट शक होने पर मीट ले जा रही टाटा मैजिक टेम्पो को पकड़ा। देलीगेट पुलिस मोटाडोर टाटा मैजिक को पुलिस चौकी ले आई। हिंदूवादी भी थाने पर जमा हो गए। थाने पर पहुंची पूर्व मेयर शकुंतला ने सीओ सिटी को दी चेतावनी कि आगे से अगर मीट जाते दिखा तो जनता इंसाफ करेगी, जिसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। अलीगढ़ के मुख्य बाजार रेलवे स्टेशन रोड से एक छोटी मोटर डोर टाटा मैजिक में खुला हुआ मीट जा रहा था। गाड़ी को हिंदूवादियों ने पकड़ दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस गाड़ी और उसमें बैठे दोनों व्यक्ति को पुलिस चौकी ले आई, जहां उसकी सैंपलिंग इत्यादि कराई गई। उधर थाने पर हिंदूवादियों नेता पूर्व मेयर शकुंतला भारती इत्यादि पहुंच गए। सीओ सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पूर्व मेयर और सीओ सिटी के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी होती रही। पेशे अलीगढ़ से अजय कुमार की खास रिपोर्ट। तुम्हारा जाहिर कहां से टका लेके जा रहे थे, क्या था? सीरत फैक्ट्री से लेके आए थे, ऊपर कोट पर जा रहे थे, हाजी कलेक्टर की दुकान पर घुसते तो बेचने के लिए जा रहे थे। हाँ, दुकान पर बिकता है। क्या क्या लेके जा रहे थे, क्या था इसमें? गोश्त है। किसका? हाजी मछली नहीं, किसका गोश्त है, किस चीज का गोश्त है? पड्डे का गोश्त है, भैंस का। कब से लेके आ रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं गाय का गोश्त है। सैंपल ले लो, चेक कर लो, कौन बनेगा रहा प्रूफ है हमारे पास, सैंपल ले लो। सब क्या मामला है आज थाने आ गया? देखिए, सुबह का मामला ये था कि अभी भी इन लोगों के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। एक विषय मैंने सीओ साहब के सामने रखा था अभी कि जब यहाँ का कट्टी घर बंद है तो ये मांस आया कहाँ से? दूसरी चीज, आया तो रेलवे रोड से इतना संवेदनशील क्षेत्र होते हुए वहाँ से खुले ले जा रहे हैं, खुलेआम ले जा रहे हैं। इनकी मानसिकता भी बदली नहीं है। अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो जनता अपने आप ही इस चीज़ का इंसाफ करेगी और अपने आप जवाब लेगी। इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। ये बिल्कुल खुलेआम चेतावनी हमने दे दी है। रमजान का पाक महीना है, एक्स वाई जो भी है, लेकिन जब पट्टी घर बंद है तो यहाँ से मांस अगर ले गए, आज आखिरी चेतावनी दे दी है। और आखिरी चेतावनी पर अगर अमल नहीं किया गया तो वो हाल होगा कि ये भूल जाएंगे कि किस तरीके से खुला हुआ मांस ले जाते हैं। घटना क्या हुई? घटना ये था कि मांस ले जा रहे थे और पता चली कि इसमें गौ मांस है। मैंने जानकारी ली है और सीओ साहब ने सैंपलिंग करा दी है उसकी, और सैंपलिंग के बाद में रिजल्ट क्या आता है, अगर गौ मांस हुआ तो इनको आजीवन कारावास बिल्कुल अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक मुजरिम इसमें से भागा है और भाग गया, वो भागने में सफल हो गया, लेकिन एक मुजरिम बैठा हुआ है, उसकी कार्रवाई के लिए हम लोग पूर्णतः तत्पर हैं कि इसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इनके हौसले गिरें और इस तरीके का काम ना करें जिससे जनता जनार्दन के मस्तिष्क पर कोई ऐसा प्रभाव पड़े। अनुशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाए। मेरा नाम अतुल राजा जी है और मैं भाजपा से हूँ। बताइए, आज क्या घटना हुई है, क्या पकड़ा है आप लोगों? ये रेलवे रोड पर होकर रोजाना हिंदू क्षेत्रों में होकर रोजाना ये लोग मीट ले जाते थे, जबकि सख्त मनाही है सरकार की कि हिंदू क्षेत्रों में होकर मीट ना लिया जाए। और जो अवैध कट्टी हो रही थी ये लोग पता नहीं कहाँ से लाए हैं, लेकिन ये रोज की सूचना थी। हमारे जो साथी हैं रैयत प्रताप सिंह वगैरह, इन सब ने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हाथ में दिया और डॉक्टर सैंपलिंग करा रहे हैं कि बाकी ये मीट किस चीज़ का है, ये अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम रैयत सिंह बिस्त है, मैं हिंदू युवा एनिस मंडल अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, आज किसका मांस पकड़ा है आपने और कहाँ से पकड़ा है? ये बहुत दिनों से यहाँ पे अवैध तस्करी हो रही थी गौ मांस की। जो सूचना हमें मिली थी कि गौ मांस है, लेकिन अब वो डॉक्टरी होने के बाद ही पता चलेगा कि गौ मांस है नहीं है। यहाँ पे पुलिस को हम लोगों ने सूचना दी है, पुलिस ने आगे उसको पकड़ा है, अब डॉक्टरी हो रही है उसकी। सर, हिंदूवादियों ने एक छोटा टेम्पो पकड़ा है जिसमें बता रहे हैं कि गोमांस पकड़ा गया था, क्या मामला है? देखिए, पहले तो बता दिए गोमांस नहीं है, ये फैक्ट्री छेरक में फैक्ट्री है, उससे बेचने के लिए ये लाया जा रहा था और लाने के पश्चात ये रेलवे रोड से आ रहा था, जिस पे लोगों को आपत्ति थी, उन लोगों ने रोका था। तत्काल उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस तत्काल मौके पर इंस्पेक्टर ले गए, इंस्पेक्टर कोतवाली पहुँचे थे
जो मांस है वो प्रथम दृष्टया ही देखने में पूरी तरीके से उनके पास उसकी पर्ची इत्यादि भी है, उन्होंने पर्ची दिखाया है कि कहाँ से वो लेके आ रहे हैं, गेट पास भी है उसको, तब भी उसकी सैंपलिंग करा दी गई है, उसका डिस्पोजल करा दिया गया सैंपलिंग से, जिससे जो भी लोगों के मन में 1% भी अगर शंका होगी वो दूर हो जाएगी। कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है।